फूल डाल चुके हैं, अब इसको यहाँ फिट करने वाले हैं। फिर से उसी रेंज से टाइट करने वाले हैं ना, ये कपड़ा से साफ कर रहे हैं सबसे पहले। अच्छा, ये कपड़ा पे देख कर रहे हैं क्योंकि ये वो छलकेगा नहीं। ये तो अच्छी तरह से ये टाइट हो चुका है, तो देख सकते हैं एयर फिल्टर का जो अभी था वो साफ कर फटक फटक है। क्यों? जितना डीजल गया मतलब मोबिल नहीं, मोबिल और डीजल जो मिक्स है वो सारा निकल जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं उस पर अब रबड़ को फिट किया जा रहा है, इसे वो अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं अंदर। वो रबड़ फिट करना जरूरी है क्या? हाँ, रबड़ फिट करना जरूरी है, इसमें नहीं दीजिएगा तो इसमें मोबिल बाहर आ सकता है। ये रबड़ होने के कारण ये मोबिल बाहर निकलेगा नहीं। चलिए, तो अब ये सेट करने वाले हैं ना। हाँ, तो इसमें क्या करिए, मोबिल देखिए थोड़ा सा डाला हुआ मोबिल, ये मोबिल क्यों डाला है? मोबिल डाला है ताकि उसमें हवा घिसता है ना, जितना गंदा सा गए डट जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे इसको जो इसको नाक बोला जाता है एक्चुअली ट्रैक्टर का, तो जितने भी हवा घिसता है वो अंदर जाता है, तो यहाँ पे जो मोबिल है वो खींच लेता है, एब्जर्व कर लेता है वो कचड़ा को। एयर फिल्टर, एयर फिल्टर को सबसे पहले हम डालने वाले हैं। सबसे पहले एयर फिल्टर जाएगा अंदर, सबसे पहले एयर फिल्टर, उसके बाद ये बस जाली जाली जाएगा। ठीक है, चला गया एयर फिल्टर जाली। क्या चाहिए वो? रबड़। अच्छा, रबड़ फिट किया जाता है। ठीक, दो तरफ का ऐसे लिए फिट करने वाले। तो ये तरीका है जिससे कि ये प्रेशर से उड़ जाएगा अंदर ऊपर, ये टाइट हो जाएगा। ये अकेले साइलेंसर पाइप है जिससे कि देख सकते हैं ये अकेले होने के कारण ये कर रहे इस तरह है, अदरवाइज दो आदमी होने से वो पकड़ के उठा देते हैं। ये ट्रिक्स है जो कभी भी अकेले आप काम करें तो इस तरह से उठाया जाता है, और ये यहाँ पे जो क्लैंप है उसे टाइट किया जाता है पूरा चित्र से। टाइट हो चुका है, तो अब मोबिल डालने का बारी आ गया है। तो अब ये देख सकते हैं कैप जो अच्छी तरह से साफ कर लीजिए कपड़ा से और एक बार, और यहाँ डालने वाला नीचे भी बाल्टी हटा दीजिएगा। अब ये बाल्टी हट चुका है, अब थोड़ा सा करने वाला कैमरा में जो नट है ऑफिस लगाने वाले हैं। ये नट लगने के बाद ऊपर से मोबिल डालेगा, इसके कारण अब क्या होगा कि मोबिल नीचे नहीं आ पाएगा। इसको क्या बोला जाता है? चैम्बर। चैम्बर। अभी इसको नट से कितने नंबर का ये रेंज लगता है? 28। 28 नंबर का ना। चलिए, ये मोबिल जाएगा अंडर। ये देखिए टेक्निक मोबिल डालने का, ये अंगुली डाल के ये डाल रहे हैं। क्यों उंगली डाले? क्यों है? ताकि इसमें उंगली नहीं डालने से प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर से ये फेंक सकता है, जो कि मोबिल वेस्ट हो सकता है। तो मोबिल को वेस्ट नहीं करने के कारण इस तरह से किया जा रहा है। अच्छा तरीका ये, ये कितना मोबिल डालिएगा अंदर? इसका अंदर 5.5 लीटर। 5.5 लीटर जाएगा। तो इंजन का कैपेसिटी है 5.5 लीटर, जो कि मॉडल है हमारा महिंद्रा B275 DI। जो बचेगा हम रख सकते हैं मोबिल को। तो अभी ये डाल चुके हैं और ये यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं अंदर पे, आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा कैमरा में, लेकिन अभी करीबन कितने बचा होगा इस पर? 1 लीटर। 1 लीटर बचा होगा। चलिए ठीक, अब इस कैप को हम यहाँ टाइट करने वाले हैं। तो कैप बंद करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मोबिल चेक किया जाता है कि कितना मोबिल गया है अंदर।
तो ये गज डालने वाले हैं और ये चेक करने वाले हैं। देखिए ये प्रॉपर आ चुका है, ये जो पॉइंट था एकदम एग्जैक्ट वहाँ पे आ चुका है। देखिए ये जो गड्ढा है प्लस देखा इधर क्रॉस कीजिए घुमाइए थोड़ा, देखिए ये जो गड्ढा है यहाँ पे तो यहाँ तक लेवल आ चुका है मोबिल का, इसका मतलब सही है ना। चलिए तो यहाँ गज से नापने के बाद अब इसको टाइट करने वाले हैं, कैप को लगाने वाले हैं। तो चलिए कैप लगा दीजिए। ये अगर आप कभी अपने ट्रैक्टर को सर्विसिंग कराना चाहते हैं, अगर आप एरिया में चास बुकारो तो यही भाई साहब संभालते हैं चास बुकारो एरिया पे। ये बालाजी ट्रैक्टर शोरूम से है। चलिए तो अब ये लग चुका है, आप क्या करने वाले हैं? साइलेंसर लगाने वाले हैं। साइलेंसर को लगाने वाले हैं तो इसको बिना लगाए आप साइलेंसर को लगा रहे हैं? ताकि इसमें चेक कर लेंगे उसके बाद लगाएं। अच्छा, चेक करने के बाद आप फिर से कीजिएगा ना, मतलब दोबारा चेक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं डीजल को खोल रहे हैं, वहाँ से तेल खोल रहे हैं। एक्चुअली मेरा घर जो धनबाद एरिया में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट धनबाद है, लेकिन मेरा नज़दीक पड़ता है बोकारो। लेकिन ये जितना भी मैंने सर्विसिंग करवाया है मेरे भाई साहब ही ने किया है ये सर्विसिंग। ये साबुद्दीन नाम है इनका, ये बालाजी शोरूम से है। तो मैं भी जब भी सर्विसिंग कराता हूँ बालाजी सर्विस शोरूम से ही करवाता हूँ, ये अच्छा सर्विस देते हैं बालाजी। तो मेरे को अच्छा लगा बालाजी शोरूम का ये सर्विसिंग, जितने भी फैसिलिटी है, शायद धनबाद में वो नहीं है, वो फैसिलिटी मिल पा रहा था। तो चलिए बेटर बेस्ट है। तो वहाँ से डीजल खोलने के बाद अब क्या करना पड़ेगा? पंप मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो पूरा डीजल था यहाँ पे वो सब खत्म हो चुका है। तो फिर से नया यहाँ डीजल आने के लिए पंप करने से क्या होता है, ये जो पंप करने से टंकी से यहाँ पे आता है और यहाँ से पंप करने से यहाँ पे आ जाता है ना, उसके बाद यहाँ से नोजल में आता है। चलिए ठीक, जब हार्ड लगने लगेगा इसका मतलब वो डीजल आ चुका है इस पर, और नहीं हार्ड लगेगा तो इसका मतलब वहाँ पे नहीं आया ना। एयर निकलना है। अच्छा, एयर निकलना है। यहाँ से देख सकते हैं एयर निकल रहा है, हार्ड नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे हल्का खोलना पड़ेगा ना, इससे ये एयर जो है निकल जाएगा। देख सकते हैं पूरा टाइट हो चुका लग रहा है। तो अब भाई साहब देख सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं चलिए देखते हैं। सब चेक कर रहे हैं एक्चुअली कि क्या फॉल्ट है, तो गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर किया जाता है। तो देखिए क्या करने वाला है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोबाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको पता करना है। क्या कर रहे हैं? मोबाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, पता करना है। पता चल जाता है तो कभी पता चल जाता है, ठीक पता चलता है ताकि मोबाइल मेरा आ रहा है। अच्छा, तो ये चेक करने का सिंपल तरीका है, अगर ये पकड़ के रखते हैं हम और ये हीट हो रहा अगर तो पता चल जाए कि इंजन के अंदर से यहाँ पे मोबाइल आ रहा है। आप क्या करने वाले?
तो आप देख सकते हैं इस चीज को टाइट करने वाले हैं। तो टाइट कैसे किया जाता है, सबसे पहले एक्सलेटर को लेना है, ठीक है। एक्सलेटर को लेते हुए इसको दबाना है। दबाने से क्या होता है, ये जो दबता है इस चीज को वो घिंच लेता है ऊपर, जिससे कि उसके बाद टाइट किया जाता है। तो ये फाइनली पूरा हो चुका है। अब ये साइलेंसर को खोल के इसको फिट करने वाले हैं। साइलेंसर एक्चुअली गर्म हो चुका होगा, तो ये बैठा के साइलेंसर को देखिए फिर से लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो साइलेंसर सेट हो चुका है, अब क्या करने वाले हैं? एयर कैनियन सेट करने वाले हैं। अच्छा, ताकि इसको आपता में साफ करना। साफ करना तो ये हम साफ करने वाले हैं हफ्ता में, एक एक वन वीक में इसको साफ करना चाहिए हमेशा इसको। यहाँ पे डस्ट होने से क्या होता है, यहाँ पे जाता है जिसके कारण वो गाड़ी में दम तोड़ता है, तो वो हमेशा साफ करते रहना चाहिए। चलिए लगाइए इसको। अब ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब इसको सिर्फ क्लैंप को लगाने वाले हैं। यहाँ पे क्लैंप को देख सकते हैं, यहाँ पे बस लगाते हैं क्लैंप को, तो बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुका है। फाइनली सर्विसिंग हो चुका है। अब ये भाई साहब क्या लिख रहे हैं, इंजन नंबर, ये देख सकते हैं यहाँ से इंजन नंबर लिखा जा रहा है। तो ये हमारा इंजन नंबर है यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखने वाला है इंजन नंबर। ये देख सकते हैं चलान है बालाजी ट्रैक्टर का। तो इंजन नंबर लिखने के बाद चेचिस नंबर भी लिखते हैं। तो चेचिस नंबर कहाँ पे दिया जाता है? अच्छा, यहाँ पे चेचिस नंबर रहता है गाड़ी का फ्रंट साइड में। तो इंजन नंबर चेचिस नंबर दोनों को लिखने वाले हैं अपने। किस चीज़ पे लिख रहे हो? अच्छा, वो महिंद्रा का वो पेपर पे। चलो ठीक, मैं जितने बार सर्विसिंग कराता हूँ, ये देख सकते हैं बालाजी ट्रैक्टर्स, मैं वहीं से बराबर सर्विसिंग कराता हूँ। और जितने बार मैंने सर्विसिंग करवाया, मैं ये भाई साहब से करवाया हूँ साबुद्दीन से। तो आप अगर आप सर्विसिंग आप घर पे करवाना चाहते हैं तो साबुद्दीन से करवा सकते हैं। तो इनका नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। चेचिस नंबर लिखने के बाद आप साबुद्दीन भाई क्या कर रहे हैं? घंटा नंबर लिख रहे हैं, ये देख सकते हैं वहाँ मीटर से कितना घंटा चला हुआ वो लिख के रखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट सर्विसिंग टाइम आने पर वो हमको इन्फॉर्म कर देंगे। जो आपका 300 घंटा हो चुका है, प्लीज़ आप सर्विसिंग करवा लीजिए। तो ये चीज़ अच्छा लगता है शोरूम वाले का। तो फाइनली हम लोगों ने सर्विसिंग कर लिया गाड़ी का। तो आप देख सकते हैं बिल हमारा कितना आया, 2573 रुपये बिल है। तो एक्चुअली दो ही चीज़ था, 1950 रुपये मोबिल का और 509 रुपये किट का। तो भाई साहब आप पैसा लीजिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप बोकारो जिला से गाड़ी परचेज किया ट्रैक्टर को और सर्विसिंग कराना चाहते हैं घर पर, तो हमारे भाई साहब से मिलिए है, बोलिए हाय बोलिए हाय। तो इनसे आप सर्विसिंग करा सकते हैं। इनका नाम है साबुद्दीन और इनका नाम और नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा, देख सकते हैं। तो इनको आप कॉन्टेक्ट करके आप घर पर बुला सकते हैं, ये अच्छा सर्विसिंग करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।